सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर सीक्रेट नॉलेज उन 50वें पृष्ठ की 24वीं पंक्ति पर 19वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के दुरूपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, बट ऑल इज स्क्रीन, सबलिमिनल, मिस्टिकल, इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट, द इनवर्टर, it needs the power of a spiritual gaze, else to our waking minds a small moment look a godless void seems our dubious course, some chance has settled or hazarded some will or a necessity without aim or courage, unwillingly compelled to emerge and be. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शाश्वत से उदित संकल्प एको हम बहुश्याम की इस पूर्णा पुराण अचलायमान परमात्मा का एक भाग, सचलायमान होकर संकल्प सिद्धि हेतु एक से बहु बनकर अभिव्यक्तिकरण हेतु सप्त सोपानों से अवतरित होते हुए अवतरण की संपूर्णता पर ऊर्ध्व गति प्रारंभ करते हुए अवतरणोपरांत ऊर्ध्व गति प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम व्यक्त रूपों में असत अचित अज्ञानांधकार आवरण धारण कर व्यक्त होने की शर्त को स्वीकार करके अनंत स्वभाव परा मूल से संबंध विस्मृति एवं देश काल सीमाबद्ध बनकर महाप्रकृति की सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया प्रणाली से मंद नित विकसित होते हुए नाना रूपों आकारों में अभिव्यक्त हो जाने वाली ये भागवत अंश सृजन अस्तित्व के कण कण के केंद्र में निवसित रहते हुए सृजन आरंभ से ही लक्ष्य सिद्धि प्रयास रत रहकर जड़ से वनस्पति प्राणी व मानव तक की यात्रा करके विकसित हो सका, किंतु इतने पर भी अभी तो सब कुछ धारण किया गया, अवतरण तो स्वयं अवगुंठित पर्दे से छिपे हुए गुप्त रूप से मौजूद रहकर प्राप्त हुई विकसित अवस्था के प्रत्येक रूप को सतत विकसित होकर श्रेष्ठ श्रेष्ठतर अभिव्यक्त रूपों में उन्नत उन्नतर स्वरूपों में निखरते हुए मानव मन जो इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ हो
अथवा सचेतनो बिना मन की जानकारी के सतत विकासोन्मुख क्रिया संपन्न कराने की प्रक्रिया से बाह्य विकासोन्मुख सत्ता की अभिव्यक्ति को प्रभावित किए ही रहते हैं। यह अंतःस्थित शाश्वत अंश विकास की अवस्था में विकसित सामान्य मानव मन के स्तर से उन्नत स्तरों की ओर अग्रसर होते हुए मन के उन्नत स्तर संबोधी मनश्चेतना में विकसित जीवन हेतु मानव को संबोधी अंतर हृदय भी अपेक्षित है और इससे भी आगे आलोकित मनश्चेतना संकल्पित जीवन हेतु एक आत्म आलोकित अंतर्दृष्टि अपेक्षित है और अधिक शक्ति संपन्न अधिमन व अतिमन चेतना संचालित जीवन यापन हेतु अमापी विशाल शक्ति संपन्न निर्निमेश आध्यात्मिक शक्ति भी उस सत्ता पर अपेक्षित है ताकि सृजित सृष्टि में होने वाली सतत मंद विकासोन्मुख प्रक्रिया से उन्नत विकसित रूपों आकारों में होने वाली धीमी गति में मानव व्यष्टि वैश्विक स्तर साक्षात्कार करके अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में त्वरा वेग ला सके। वर्तमान मानव के सामान्य चेतना स्तर से बाह्योन्मुखी वृत्ति एवं मन की सीमित संकीर्ण क्षमताओं के रहते जीवन की आपाहापी एवं अस्पष्ट जीवन लक्ष्य के कारण निपट अनिश्चित यहाँ अपना ध्येय विहीन जीवन पथ की चलने वाली एक यात्रा अपने जागृत मन को ऊपरी तलीयता नन्ही क्षणिक दृष्टि को तो बस ध्येय विहीन सारहीन यात्रा ही जान पड़ती है। सामान्य मानव दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई आकस्मिक देवयोग या आकस्मिक घटनाक्रम ने सृष्टि सृजन कर दिया या फिर किसी शक्तिशाली संकल्प ने सृजन संकल्प करके निरुद्देश्य सृजन को सतत विकासोन्मुख जीवन यात्रा को ही संकट में डाल दिया हो। इससे प्रभावित बनकर यह जड़ वनस्पति प्राणी एवं मानव जीवन को सतत विकसित होते जाने की प्रक्रिया में अत्यंत दयनीय अवस्था से अनिच्छा से मजबूर होकर जीवन यापन करते ही चले जाने को बाध्य जीवन जीना होगा। आज हम इस सार्वभौमिक विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि साधना के दुरुपद पर जब जब हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें
भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तर पर संपन्न होने जा रही है। Oh.